गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम हियर नीरू सुरोत्रा। वेलकम टू ऑल टुडेज सेशन। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद क्लास 12 सब्जेक्ट एजुकेशन चैप्टर 10 एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। दिस इज न्यू चैप्टर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आई नो यू आर desperate for this chapter. Okay guys, let's start the new chapter, adjustment and maladjustment. This chapter we can divide into two parts, adjustment and maladjustment. Firstly, we will discuss about adjustment and after that follow maladjustment. Now सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ माल, कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड द टीचर टू ए ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। एडजस्टमेंट हेल्प्स इन हैविंग इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो चाहे हम बच्चे की बात करें चाहे टीचर की बात करें, तो उनकी जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो उसकी एडजस्टमेंट है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो एडजस्टमेंट ही मदद करती है कि एक इंटीग्रेटेड और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को डिवेलप करने के। बट वट इज एडजस्टमेंट, तो प्लीज ड्रिंक इन। एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज इंटरेक्शन। अब एक इंडिविजुअल है, एक तरफ इन्वायरमेंट है। जब भी इन्वायरमेंट से कोई भी एक्शन होगा तो इंडिविजुअल जो है वो रिएक्ट करेगा, और यही जो प्रोसेस है इन दोनों के बीच में एक्शन और रिएक्शन का, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। और इफ़ द इंटरेक्शन इज सेटिस्फाइड फॉर द इंडिविजुअल एंड प्रॉफिटेबल फॉर द सोसाइटी, इट मींस इंडिविजुअल बिहेवियर टू द एनवायरनमेंट इज नोन एज एडजस्टमेंट। तो जब भी ये इंटरेक्शन जो है सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअल को भी और प्रॉफिटेबल होगा किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो वो स्टेज, वो जो है ये इंटरेक्शन जब भी प्रॉफिटेबल होगा या इंडिविजुअल की नीड्स में, ठीक है, और एनवायरनमेंट में बैलेंस होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ भी इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल की नीड्स और इन्वायरमेंट में जब भी बैलेंस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। और इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड नॉट प्रॉफिटेबल इज नोन एज मैलएडजस्टमेंट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, ये इंटरेक्शन, और ना ही प्रॉफिटेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, माल एडजस्टमेंट। और दैट मीन्स व्हेन द इम्बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस होगा, तो दैट इज नोन एज माल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज ए स्टेट और कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल बिहेवियर कन्फर्म्स टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, कल्चर और सोसाइटी to which he belongs, and at the same time he feels that his own needs have been or will be fulfilled. तो एडजस्टमेंट एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेज जहाँ जो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा वो द डिमांड ऑफ कल्चर और सोसाइटी जिससे वो बिलोंग करता है, और सेम टाइम पर उसकी अपनी भी नीड्स जो हैं फुलफिल हो जाएंगी, तो वो स्टेट और कंडीशन कौन सी होगी, एडजस्टमेंट। क्लियर, जहाँ पर उसका अपना जो इंडिविजुअल
बिहेवियर है वो भी कंफर्म, ठीक है, कंफर्म करेगा, मतलब कि जो भी डिमांड्स है कल्चर और सोसाइटी की, तो एक तरह से फिर से वो बैलेंस बनाएगा अपनी सोसाइटी जिसमें वो रह रहा है और अपनी नीड, सोसाइटी की डिमांड्स को भी पूरा करेगा और सेम टाइम पे अपनी नीड्स को भी फुलफिल करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एडजस्टमेंट। सो इन दिस वे एडजस्टमेंट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही लिव्स। तो एक कम्प्रोमाइज स्टेज रहती है जिसमें एक इंडिविजुअल की अपनी नीड और जो डिमांड्स है सोसाइटी की, उन सब दोनों के बीच में जो एक कम्प्रोमाइज स्टेज है उसी को क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच ए पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर और टू प्रोड्यूस ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज इन्वायरमेंट। तो एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है और यहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल है डिफरेंट बिहेवियर जो है के द्वारा जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाता है, एक बैलेंस जो इन्वायरमेंट रिलेशनशिप बनाता है अपने में, अपने और इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो एक हार्मोनियस, ये भी याद आसान सा है, बस याद रखने हैं आपने, तो याद रखिए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज इन्वायरमेंट, दैट इज मीन्स बैलेंस, ठीक है, अपने और इन्वायरमेंट के साथ। इट कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट। तो एक इक्विलिब्रियम सबका सिनोनिम अगर हम लें तो बैलेंस, तो इसको इक्विलिब्रियम की स्टेज बोलेंगे, जहाँ किसके बीच में, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट टर्म को हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम आपके सिलेबस में दिया है कंसेप्ट, तो जब भी कंसेप्ट करना है तो टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशंस लेंगे और फिर इसके फीचर्स। तो अब हम कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कंसेप्ट में आ गई डेफिनेशंस। तो व्यू ऑफ लॉरेंस एफ शेफर, शेफर जो है उसको मेन कंट्रीब्यूटर बोला गया है किसका, एडजस्टमेंट, जिसे सबसे ज़्यादा अपना टाइम डिवोट किया इस फील्ड में एडजस्टमेंट में। तो एक तरह से इनको फाउंडर भी बोला जाता है इसका। तो एडजस्टमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड द सर्कमस्टांसिस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। तो यहाँ पर आप एक ध्यान से ये जो वर्ड है इसको रख लो, वही आगे एक ये है बैलेंस, एक हार्मोनियस, हार्मनी, तो ये जो है इसमें हम नीड और इन्वायरमेंट में, तो ये डिफाइन करने में भी जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन्हीं वर्ड्स का यूज़ किया है। अब लॉरेंस ने बिल्कुल बोला है बड़े इजी वर्ड में, एडजस्टमेंट इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेंटेन करता है बैलेंस अपनी नीड्स में, अपने सर्कमस्टांसिस में, वो सर्कमस्टांसिस जो कि इन्फ्लुएंस करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स में, ठीक है। तो हम हमेशा अपनी नीड्स भी पूरी करते हैं और ये भी ध्यान देखते हैं कि हमारे आगे पीछे का सर्कमस्टांसिस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उस हमारी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स हैं वो हमेशा उसी तरह से सेटिस्फाइड हों कि सोसाइटी को भी प्रॉफिट हो, हमारे सर्कमस्टांसिस जो हैं वो भी जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो मतलब कि वो भी जो उसको भी प्रॉफिट मिले, ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब नेक्स्ट है कॉलमैन्स व्यू, एडजस्टमेंट इज़ द आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू डील विद स्ट्रेस एंड मीट हिज नीड्स आल्सो हिज एफर्ट्स टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे कॉलमैन ने कौन से वर्ड का यूज़ किया, हार्मोनियस,
वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट क्या है, आउटकम, एक रिजल्ट है इंडिविजुअल अटेम्प्ट। इंडिविजुअल जो भी है, एक व्यक्ति जो भी कोशिश करता है अपने स्ट्रेस से डील करने में और उसी के साथ अपनी नीड्स को भी पूरा करे, और यही एफर्ट जो है वो मेंटेन करेगा हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्ट। अब ट्रेक्सलर्स व्यू देखो, द मोस्ट डिजायरेबल स्टेट ऑफ एडजस्टमेंट इज वन इन विच द इंडिविजुअल इज परफेक्टली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने बोला जो भी मोस्ट डिजायरेबल स्टेट जो है एडजस्टमेंट की, वो क्या है कि जब इंडिविजुअल परफेक्टली हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो हर एस्पेक्ट जो है उसका लाइफ का, तो वही जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, एडजस्टमेंट होगी। सो इन द लाइट ऑफ डेफिनेशंस विच वी हैव डिस्कस्ड, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। तो अब जो कंसेप्ट में ये जितना भी हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, उन मीनिंग और डेफिनेशंस के बेसिस पर हम कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडजस्टमेंट को, और जो कि इसको हाईलाइट करेंगे कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। तो कंसेप्ट जब भी पूछेगा आपने टर्म को एक्सप्लेन करना, फिर डेफिनेशंस देनी है और फिर फीचर्स भी ज़रूर देने हैं, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला आप पढ़ चुके, सबसे पहले ही हमने डिस्कस किया था एक इंडिविजुअल है और एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से एक्शन होगा तो इंडिविजुअल भी रिएक्ट करेगा, उधर से भी रिस्पांस आएगा, और ये इंटरेक्शन प्रोसेस जो है जब इसमें बैलेंस रहेगा वही आ गया पहला, मेंटेनिंग बैलेंस। एडजस्टमेंट इज प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बैलेंस, बैलेंस किस में, बिटवीन द नीड्स फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड द सर्कमस्टांसिस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स। ठीक है, तो ये जो जितनी भी हमारी सोशल इन्वायरमेंट जो है, बैलेंस बिटवीन द नीड्स, वही जो नीड्स हैं और इन्वायरमेंट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है सेटिस्फाई करने के लिए नीड्स को, वही उसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा कॉलमैन की डेफिनेशन में भी हार्मोनियस रिलेशनशिप, तो एडजस्टमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस विच प्रोड्यूस ए मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट। समझ आ रही होगी, अब पीछे भी एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सो एडजस्टमेंट इज प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग वन एफर्ट्स towards the modification of behavior and attitude। तो अगर हमें बैलेंस बनाना है नीड में भी और अपनी इन्वायरमेंट में भी, तो एडजस्टमेंट जो है वो ऐसा प्रोसेस जो कि एक इंडिविजुअल को मॉडिफाई करे, करने के लिए उसके बिहेवियर और एटीट्यूड को मॉडिफाई करेगा ताकि वो बैलेंस ईजली बना पाए। प्रोसेस टू चेंज इन्वायरमेंट, एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पर्सन टू चेंज हिज इन्वायरमेंट और हिज आउटलुक। बड़ी बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस हेल्पिंग इन द पर्सन टू चेंज एटीट्यूड, चेंज हैबिट्स, चेंज थिंकिंग और चेंज आउटलुक। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें चेंज आएगा आउटलुक में। सो एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ अपने एनवायरनमेंट पे भी और अपने पूरी आउटलुक में चेंज लाना ताकि वो आराम से एडजस्ट हो सके। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिकॉज पर्सन्स इंटरेक्शन विद वन डिमांड मे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर। तो एक ईजी प्रोसेस नहीं है, जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? बड़ी बार ऐसा होता है कि जब पर्सन इन वन डिमांड, तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट कम इन कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट हो गया जब हमारे दिमाग में दो बातें चल रही हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हाँ हमें क्या चाहिए, तो वो स्टेज होती है कॉन्फ्लिक्ट की। तो बड़ी बार ऐसा होता है एक डिमांड पूरी करना चाहते हैं तो दिमाग में दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरी डिमांड आ जाती है, तो इस तरह से उस टाइम पे थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है उस बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ, इट इज़ नॉट वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल। तो आप भी देखोगे कितनी सारी नीड्स हैं, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल डिमांड्स जो हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं, पर्सनल डिमांड्स हैं, सोशल डिमांड्स हैं, तो उन सब के बीच में जो एक प्रोसेस आपको हेल्प करेगा बैलेंस बनाने में, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। तो इस तरह से एडजस्टमेंट जो है वो क्या हो गया, मल्टी डायमेंशन। किसी एक चीज़ से डील नहीं करना, बहुत सारी चीज़ों से डील करना है, इसीलिए क्या है, मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट आ गया कंडीशन ऑफ हार्मनी। तो एडजस्टमेंट इज़ ए स्टेट और कंडीशन ऑफ हार्मनी दैट प्रमोट हैप्पीनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन इन एन एनवायरनमेंट। तो ये एक हार्मनी बना के चलना, एक बैलेंस बना के चलना, ठीक है, वो बैलेंस की स्टेज जो हमें हैप्पीनेस देगी और एफिशिएंसी हो, जो हैप्पीनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन इन एन एनवायरनमेंट। तो एक जो है, अब जितना भी आगे पीछे आपकी नीड्स हैं, जितनी भी है ना, उनके उन नीड्स के साथ मीन्स ये नीड्स से ही, वो नीड्स किसकी हैं, इंडिविजुअल की, ठीक। तो एक इंडिविजुअल की जो है अपनी सेल्फ और अपनी एनवायरनमेंट के साथ जो एक सेल्फ हार्मनी का रिलेशन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। हर जगह मतलब कि जो है अपनी जो भी नीड्स हैं उनको और एनवायरनमेंट में एक बहुत ही जो है वो संतुलन सा बनाकर चलना। और क्यों, क्योंकि हम लोगों को उसी से हैप्पीनेस मिल सकती है। सिर्फ हम अपनी नीड पूरी करते जाएं और आगे पीछे हमारे सारे जो हैं वो दुखी हों, तो हमें कभी भी उससे खुशी नहीं मिलेगी। एक तरह से वो डिसहार्मनी होगी और वो डिसहार्मनी कभी भी हमारे में हैप्पीनेस नहीं लाएगी। तो अब आप ये फिगर देखो, जो एक एंड में पूरा जो आपने मीनिंग डेफिनेशंस और फीचर्स पढ़े, उसी से आपको ये फिगर देखते ही पता चल जाएगा। एक इंडिविजुअल जो है उसकी बायोलॉजिकल डिमांड्स भी हैं, सोशल डिमांड्स भी हैं, साइकोलॉजिकल डिमांड्स भी हैं, अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, फिजियोलॉजिकल डिमांड्स भी हैं और पर्सनल चॉइस भी हैं। तो हार्मनी किसके बीच में, सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने इंडिविजुअल की अपनी खुद के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। तो हमेशा एजुकेशन जो है आपको इसलिए, इसके लिए तैयार करती है कि आप इजली एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सको जो है अपना और एनवायरनमेंट के साथ। सो दैट मींस हार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इक्वल टू एडजस्टमेंट। ये देखो फिगर में एंड वाली बार में यही लिखा हुआ, हार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इक्वल टू एडजस्टमेंट। तो ये जो हार्मनी है सेल्फ और एनवायरनमेंट में, इसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। तो दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, इजी सा है, हार्मोनियस रिलेशन, हार्मनी, बैलेंस रिलेशन, और जो है इट इज़ मतलब कि जो है स्टेज ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस व्हेन यू मेक ए बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमने एक एस्पेक्ट जो है मीनिंग, पूरा कंसेप्ट जो है एडजस्टमेंट का कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्राइटेरिया और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, और उसी के साथ फिर एडजस्टमेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
और फिर हम स्टार्ट करेंगे माल एडजस्टमेंट। ओके, थैंक यू गाइस।